हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 34वां पार्ट है। इससे पहले मैं 33 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो इसमें मैं साइंस के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हूँ और सभी क्वेश्चंस मैं रेलवे के प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी में पूछे गए हों या NTPC में या LP में पूछे गए हों, तो हाल फिलहाल रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व कराता हूँ। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है या NTPC के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो एवोगैड्रो संख्या है, ये क्या होता है? तो ये एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.022 × 10³। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसको किसके द्वारा निरूपित करते हैं? तो इसको निरूपित करते हैं n और स्मॉल o। ठीक है, कहीं कहीं पे n स्मॉल a भी इस तरह से लिखा रहता है, तो इसके द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर/सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है, यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है कितना, 30 किलोग्राम। ठीक है, और इनिशियल वेग दिया गया है 20 मीटर/सेकेंड, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अंतिम वेग कितना है तो रुकने में पूछा गया है, तो यानी कि रुक जाएगी तो 0 स्पीड होगी, अंतिम वेग 0 हो गया। और इसके अलावा फोर्स दिया गया है बल 60 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम गति का पहला समीकरण लगा देंगे। गति का पहला समीकरण क्या है? v = u + at। ठीक है, तो यहाँ पे हमें v पता है, u पता है और टाइम हमें निकालना है, a हमें पता नहीं है। तो a हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि फोर्स बराबर क्या होता है, m × a। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है। तो m कितना दिया गया है, 30, और f कितना दिया गया है, 60, और a हमें निकालना है। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, ये 30 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ 30 होगा तो a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है रोकने के लिए नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मान जो है -2 मीटर/सेकेंड, ये नेगेटिव होगा क्योंकि रोका जा रहा है। ठीक है, वस्तु को, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम = क्या हो जाएगा, वी और यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -u, और ए जो है यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो वी 0 है, ठीक है, -u यानी कि 20, और a का मान कितना है, a है -2, तो ये हो गया -20, ये हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये प्लस में होगा। ठीक है, +20/2, तो ये कितना आ गया, t = 10 सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश बढ़ाने से बढ़ती है, तो ध्वनि जो है क्या बढ़ने से बढ़ती है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ध्वनि की जो तरंग है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे चल रही है, तो ये जो है क्या है, ये जो है क्रेस्ट है, मैक्सिमम जो यहाँ पे हाइट है ये क्रेस्ट है, इनके बीच की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक नीचे भी, ये जो है नीचे क्या कहलाता है, थ्रो, तो जो मैक्सिमम क्रेस्ट या थ्रो की जो लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं या आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ध्वनि की लाउडनेस होगी। ठीक है, ध्वनि उतना ही तेज होगी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होगा, तो ध्वनि को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य अधिकतम कितना होगा? तो यहाँ पे power = हमें मालूम है कि work done/time होता है, यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है अधिकतम कितना होगा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पावर और टाइम जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पावर कितना दिया गया है, 20 किलोवाट, और टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा,
ये 20 का 10 से गुणा होगा यानी 200 किलो जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी 200 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किसके समान होंगे। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका 2 8 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसको निकालते कैसे हैं, 2n² फॉर्मूला होता है, n की जगह कक्षा की संख्या रखते हैं, तो 2 हो गया पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अष्टक का नियम क्या होता है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 10 हो गए, फिर 10 बचे, तो यहाँ पे हम आखिरी कक्षा में 10 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 हम रखेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई ऐसा तत्व जिसकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी, जिस तत्व की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे इन तत्वों में किसकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेरिलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है 4, तो यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आखिरी कक्षा में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी 20 वाले से। 20 वैसे होता किसका है, तो 20 होता है कैल्शियम का और ये बेरिलियम का, तो ये दोनों जो है दूसरे ग्रुप के तत्व हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, क्योंकि सेम ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं और उनके आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो पतली कोशिका भित्ति होती है पैरेन्काइमा में, ठीक है, और ये किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं सेलुलोज से, और कोशिकाओं के बीच में स्थान रहता है जिसको क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं या इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कोशिकाएँ हैं, ठीक है, तो बीच में जो है ये स्थान है, इसको क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और कोशिका जो है इसके कोशिका द्रव्य में जो है वैक्यूल होता है यानी कि रिक्तिका होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पैरेन्काइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प होता है। तो पुष्प जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल, और दूसरे होते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी यानी कि बाईसेक्सुअल, इनको उभयलिंगी भी कहते हैं। तो जो एक लिंगी होते हैं इनमें या तो पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर होता है, दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, कोई एक होता है। और द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं इसमें दोनों होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है। तो पपीता जो है ये एक लिंगी होता है क्योंकि इसमें पुंकेसर होता है या तो स्त्री केसर होता है, दोनों नहीं होते। और इसके अलावा सरसों, गुलमोहर और हिबिस्कस, ये तीनों जो है इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक घटक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। एल क्या है, तो ये चालक है कोई, तो इसकी जो लंबाई है इसको कहते हैं L, ठीक है। और A क्या है, A ये जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल है इसको कहते हैं A, ठीक है। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है, तो आप देखेंगे लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है इसके इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। और रो क्या है, रो है रजिस्टिविटी, यानी कि जो पदार्थ है उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, ठीक है। अलग अलग पदार्थ की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पे किस किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ कौन सा पदार्थ है उस पर भी निर्भर करता है, दबाव पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो दाब पर जो है रजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दबाव। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर ये समानुपाती होता है लागू बल के, ठीक है, ये लागू बल जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी संवेग परिवर्तन की दर के, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग जो है ये संवेग होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी लागू बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है,
यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? तो एक वस्तु है, मान लेते हैं क्या वस्तु है, कार है एक कोई, ठीक है, ये ऐसे कार है, ये रोड पर ऐसे चल रही है, तो अगर इसको बंद कर दिया जाए, इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे जा करके रुक जाती है, बिना ब्रेक मारे भी एक समय आएगा कि ये रुक जाएगी कहीं पर। तो ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है रोड और टायर के बीच में, ठीक है, इसलिए रुक जाती है। तो यहाँ पे एक घर्षण बल के कारण ये रुक जाती है, इसके अलावा भी गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको खींच रहा है अपनी ओर, तो कई रीजन है, हवा भी जो है, हवा भी रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में घर्षण है, तो यहाँ पे घर्षण पे हम टिक कर देंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो इसमें से कौन सी यौन संक्रमित बीमारी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी नहीं है? तो गोनोरिया और सिफिलिस और मत्स्य, ये तीनों जो है यौन संक्रमित बीमारियां हैं, बल्कि जो है कैंडिडाइसिस ये जो है यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार का ईस्ट इन्फेक्शन है, जो कि कैंडिडा नाम का एक प्रकार का फंगस होता है, इससे ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि जो है सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है, और किसी सामने पहाड़ से ध्वनि टकरा करके वापस आ रही है, तो ये टकरा करके वापस आएगी, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये साउंड का अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये इसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना कम से कम अंतर होना चाहिए टाइम का स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम टाइम का अंतर कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कान है इस पर किसी ध्वनि का असर जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी 0.1 सेकेंड तक रहता है, तो कम से कम इतना गैप होना चाहिए। और दूरी पूछी जाती है कि जहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से टकरा करके वापस आ रही है उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो अग्नाशय से जो रस निकलते हैं उसमें ट्रिप्सिन है आपका, एमाइलेज है, लाइपेज है। ठीक है, पेप्सिन ये जो है आमाशय से निकलता है, ठीक है, आमाशय यानी स्टमक से निकलता है, और ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है किस में परिवर्तित करता है, अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है, और एमाइलेज ये स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज ये वसा का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, वसा को वसीय अम्लों में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वी स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि वेग अगर हम दुगना कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वी है अभी, इसको हम दुगना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4V स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 गुना हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु में होता है, तो ऑक्सीजन का एक अणु, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O2। ठीक है, दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी आपको पता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 6 होती है, आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके मान लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो ये आपस में जो है शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये शेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दोहरा सह संयोजक बंध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, तो पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड सीरीज है एक, और एक है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो लैंथेनाइड जो सीरीज है वो परमाणु क्रमांक 58 से शुरू होती है और 71 तक होती है। 58 से 71 तक जितने भी तत्व हैं
वो लेंथ एंड हाइट सीरीज के तत्व होते हैं, ठीक है। 58 कौन सा होता है, सीरियम होता है, और 71 होता है ल्यूटीनियम, ठीक है, एल यू से प्रदर्शित करते हैं। और एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है 90 से, ठीक है। 90 पे कौन सा होता है, थोरियम होता है, थोरियम होता है। और ये कहाँ तक होता है, 103 तक होता है, 103 नंबर पर होता है लॉरेंसियम, एल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, इनमें जितने भी तत्व हैं इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व हो गए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के, और इसमें जो है टोटल 14-14 तत्व होते हैं, इसमें भी 14 लेंथेनाइट में और एक्टिनाइट में 14, तो दोनों टोटल हो जाते हैं 28। तो एफ ब्लॉक में अगर पूछा जाए कितने तत्व होते हैं, तो 28 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया है 58 वाला कौन सा तत्व है, तो 58 वाला है सीरियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, तो फिनोप्थलीन जो होता है ये जो है अम्ल क्षार सूचक की तरह काम करता है, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में ये प्रयोग किया जाता है, और ये जो है अगर पानी में मिलाते हैं तो ये रंगहीन होता है, ठीक है। अगर अम्ल में मिलाते हैं तो भी ये जो है रंगहीन होता है, कोई प्रभाव अम्ल पर नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको क्षार में मिलाते हैं तो जो घोल है उसका रंग हो जाता है गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिरका पूछा गया है, सिरके में, तो सिरका आपको मालूम ही है एसिड होता है, अम्ल होता है, तो सिरके में घुलाने पर क्या होगा, रंगहीन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो धावन सोडा या वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें अगर हम HCl मिलाते हैं तो क्या होता है, NaCl बनता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या है, क्षार हैं, और ये क्या है, अम्ल है, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड लवण, और साथ में जल बनता है, तो ये हो गया जल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो है बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच में संबंध दर्शाता है, तो आपको मालूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। V यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर, और I यानी कि धारा या करंट, ठीक है। तो ये किसका नियम है, ये है ओम का नियम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम, ठीक है। यहीं से आपका ये फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू I R, ठीक है, R यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 500 न्यूटन भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, तो शक्ति आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो वर्क डन अपॉन टाइम हो गया शक्ति। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, MgH, ठीक है, अपॉन यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो MgH अपॉन टाइम, इससे हम शक्ति निकाल लेंगे, ठीक है। तो M कितना दिया गया है, तो यहाँ पे M नहीं दिया गया है, यहाँ पे ये गलती ना करिएगा, M जो है आप लिख लीजिए 500, और G का मान आप 10 या 9.8 लिख करके कैलकुलेट करें, क्योंकि Mg जो है ये भार होता है, ठीक है, भार आप जानते हैं कि Mg होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण होता है, तो इसमें 500 जो है ये Mg का मान दिया गया है टोटल, तो ये हो जाएगा 500 Mg, और H कितना हो जाएगा, तो H दिया गया है 45 चरणों की सीढ़ियाँ हैं और प्रत्येक की ऊँचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। और पूछा कितने सेकंड में गया है, टाइम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9 सेकंड इंटू यहाँ पे 9 सेकंड हो जाएगा, तो अब जो है यहाँ पे ये 100 से 500 पाँच बार चला जाएगा, यहाँ हो गया 5, और 9 से ये 45 पाँच बार चला जाएगा, ठीक है, 15 25 75, और 75 का 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 375, ठीक है, तो यहाँ पे 375 वाट जो है शक्ति आ जाएगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रक है जो कि एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है, टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे दिया गया है
एक ट्रक है, ठीक है, एक ये ट्रक है मान लीजिए, और ये टकरा जाता है एक कार से, एक छोटी सी कार है उससे टकरा जाता है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। और यहाँ पे जब टकराता है, इसकी आपस में टक्कर होती है, तो ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। किस स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों चलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम आपको पता ही होगा कि अगर एक या एक से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, तो इस क्रिया के पहले और बाद में उनका जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित होता है, यानी बराबर होता है, ठीक है, जब तक कि उन पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यानी कि यहाँ पे इसका संवेग जितना रहा होगा वो भी P इक्वल टू एम वी के बराबर रहा होगा, और यहाँ पे भी एम वी के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे m जो है चेंज हो गया, यहाँ पे v भी चेंज हो गया। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड चेंज हो गई और द्रव्यमान भी चेंज हो गया। द्रव्यमान कितना है? पहले इसका 2000 किलोग्राम दिया गया था द्रव्यमान, और अब कितना है? अब जो है कार के साथ इसका, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2000 किलोग्राम तो ट्रक का है, और प्लस जो है कार का हम मान लेते हैं एम है, तो 2000 प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम बी, यानी कि 2000 गुणे वी कितना दिया गया है? 10 इक्वल टू 2000 प्लस एम, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। वी कितना दिया गया है यहाँ पे? 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये टोटल हो गया 20,000, और यहाँ पे ये 8 का गुणा होगा 2000 में, तो ये हो जाएगा 16,000 प्लस 8m, ठीक है। तो 8m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16,000 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 20,000 से 16,000 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो 8m इक्वल टू कितना है? 4,000। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा 4,000/8, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500, ठीक है, 500 किलोग्राम। ये क्या आ गया? कार का द्रव्यमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 500 किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 750 वाट की विद्युतीय वाशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे जो है यूनिट में दिया गया है, एक यूनिट आप जानते हैं किसके बराबर होता है? एक यूनिट बराबर होता है किलो वाट घंटा के, ठीक है, किलो वाट घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है 750 वाट दिया गया है, 750 वाट, ठीक है। तो इसको किलो वाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और घंटे कितने दिए गए हैं? 4 घंटे, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये जाएगा 25 बार, और 25 से 75 जाएगा 3 बार, तो यानी आ गया 3 यूनिट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश जो है दो तरह से परावर्तित होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है। एक होता है, मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और एक सरफेस है जो कि रफ टाइप की सरफेस है, ठीक है, इस तरह से रफ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस पर जब प्रकाश आता है, इस तरह से पैरेलल उसकी रेज आती हैं, ठीक है, इस पर पड़ती हैं और टकरा करके जब वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं, तो ये पैरेलल ही रहती हैं, ठीक है, ये पैरेलल ही रहती हैं। ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित, तो परावर्तित किरणें भी जो है पैरेलल होती हैं, तो इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन, ठीक है। तो ये हो गया नियमित, और ये रफ सरफेस हैं, जब कोई खुरदरी सतह होती है तो उस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो आपतित तो पैरेलल ही होगी, लेकिन जो है जब परावर्तित होगी तो उसका कोई नियम नहीं होगा, ठीक है, वो इरेगुलर तरीके से किसी भी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं? अनियमित, अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब चमकीली सतह होगी, चमकीली सतह जो है वो स्मूथ सतह होती है, जैसे कि आपका मिरर हो गया, मिरर आप देखते हैं स्मूथ होता है और पीछे पॉलिश करके उसको चमकीला किया जाता है, तो उसमें जो है रिफ्लेक्शन कैसा होता है? नियमित होता है। तो चमकीली सतह पे जो है रिफ्लेक्शन कैसा होता है? नियमित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को आपको सभी को मालूम है कि वेग कहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त तो विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का पूछा गया है, फॉरेन हाइट में कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, सी कितना दिया गया है, 5 दिए गए हैं, तो यहाँ 5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ माइनस 32 अपॉन 9, 9 को अगर इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9, तो एफ इज्कवल टू क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और माइनस 32 यहाँ पे ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। तो फॉरेन हाइट में 5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।